अच्छा जी, इमेजेस की बात हम कर लेते हैं अब। अच्छा, इस चैप्टर में यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि जी हाउ टू ऐड इमेज टू योर पेज, चूजिंग राइट फॉर्मेट, ऑप्टिमाइजिंग इमेज फॉर वेब। अब ये तीन बातें यहाँ पे की जा रही हैं कि ये ऑप्टिमाइजिंग, दोस्त पूछ भी रहे थे कि ऑप्टिमाइजिंग का क्या मतलब होता है। ऑप्टिमाइजिंग का मतलब होता है कि वेब के लिए जो है ना मौजू इमेज हो, ठीक है, मौजू उसके लिए शायद सही वर्ड होगा, कि ऐसी इमेज जो वेब के लिए मौजू है। अब वेब के लिए किस तरह की इमेज मौजू है और यहाँ पे चक्कर क्या है, वो हम अभी देखते हैं आगे चल के। ठीक है, वेब में असल में चक्कर ये होता है कि हमें इमेज की क्वालिटी भी अच्छी चाहिए होती है और इमेज का साइज़ भी छोटा होना चाहिए। अब चक्कर ये होता है कि इमेज का साइज़ जब आप छोटा करते हैं तो क्वालिटी साथ साथ कम होती है, तो कोई एक सर्टेन जगह, क्योंकि बिल्कुल कम कर देंगे तो वो बिल्कुल ही ब्लर हो जाएगी सारी, है ना। तो अगर हम साइज़ छोटा करने के चक्कर में बिल्कुल उसको छोटा नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमें रुकना पड़ेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी कि यार इतने पे आके हमने रुक जाना है ताकि क्वालिटी भी डाउन ना हो। अच्छा, और इमेज जैसे हाई क्वालिटी इमेज चाहिए होती है, अच्छी दिखने वाली इमेज, तो इस चक्कर में हम बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेज भी नहीं लगा सकते क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। तो कहीं ना कहीं हमें एक दरमियाना रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा कि जी सर ज़रा साइज़ भी सही रहे और क्वालिटी भी सही रहे। तो इस चीज़ को ना, ये जो दरमियानी जगह है, इसको हम कहते हैं कि ऑप्टिमाइज्ड और ऑप्टिमाइज्ड फॉर वेब। अच्छा, यही अगर होता कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन तो इसमें शायद इतना बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन तो इंस्टॉल होती है, वो वंस इंस्टॉल हो जाएगी तो ठीक है। तो अच्छा, देयर आर मैनी रीजन्स वाई यू माइट वॉन्ट टू ऐड एन इमेज टू अ वेब पेज। कह रहे हैं कि यार बहुत सारी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपको अपने वेब पेज में एक तस्वीर लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। यू माइट वॉन्ट टू इंक्लूड लोगो, फोटोग्राफ, इलस्ट्रेशन, डायग्राम और चार्ट। कह रहे हैं आपको किसी की फ़ोटो लगानी पड़ सकती है, बंदे की, या किसी जगह की फ़ोटो, या कोई इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन होता है कि कोई वजाहत की हुई है किसी चीज़ की, तो इलस्ट्रेशन या डायग्राम लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, या मिसाल के तौर पे आपको पाई चार्ट वगैरह या बार चार्ट वगैरह बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है जिससे आप किसी चीज़ की कंपैरिजन कर रहे हो। तो नीचे उन्होंने वो सब एग्ज़ाम्पल बनाई हुई है यहाँ पे, ये चार्ट वगैरह की। अच्छा, वो एग्ज़ाम्पल काफ़ी आ गया, उसको छोड़ देते हैं, अभी हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे इधर। अच्छा, और ये कह रहा है कि यार ज़रूरत तो पड़ सकती है, ये सारा चार्ट वगैरह, लोगो वगैरह कुछ भी लगाना पड़ सकता है, लेकिन कह रहा है देयर आर सेवरल थिंग्स टू कंसिडर, कुछ चीज़ों को जहन में रखने की ज़रूरत है व्हेन सेलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग इमेज फॉर योर साइट। जब आप इमेज को सेलेक्ट करते हैं कि जी हमने इमेज कौन सी लगानी है, यानी अच्छा ये सेलेक्ट करना जो है ये एक दिमागी डिसीजन होता है बंदे का, बंदा ये अपने दिमाग में लेता है डिसीजन कि जी ये सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, इमेज ये लगानी है मैंने। जैसे होता है ना, मैं सोचता हूँ वेबसाइट खुलेगी तो सामने एक बैनर होगा, उस पर हमारी पूरी टीम खड़ी हुई होगी, मैकडोनल्ड की वेबसाइट हो गया, मैकडोनल्ड की पूरी टीम खड़ी हुई होगी सामने। अच्छा, तो ये सिलेक्शन जो, ये दिमाग के अंदर आप एक डिसीजन ले रहे होते हैं, तो सेलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग। अब जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं, सोच लेते हैं दिमाग में, तो फिर आप उसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, उस बनाने के प्रोसेस में क्या होगा, उस पिक्चर को कैप्चर करना कैमरे से, ये हो सकता है, और उसको फिर बाद में कुछ एडिटिंग वगैरह अगर उसमें करनी है वो करना है, और फिर उस पे जो है ना ऑप्टिमाइजेशन फॉर वेब लगाने की ज़रूरत है। बट टेकिंग टाइम टू गेट देम राइट विल मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसको खूबसूरत बनाने में आप टाइम लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा, और जितना आप टाइम उस पर लगाएंगे उतना ज़्यादा वो आपको अट्रैक्टिव लगेगी। अब वो टाइम लगेगा किस में, वो देख लेते हैं अभी आप आगे। अच्छा, तो सबसे पहले तो ना यार एक इमेज हम डाउनलोड करते हैं, सही है, चूजिंग इमेज फॉर योर वेबसाइट। सबसे पहले तो एक इमेज हम पकड़ लेते हैं, ये बात पढ़ते हैं इसकी, और एक इमेज पकड़ते हैं उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं वेब के लिए, पहले प्रैक्टिकल उसके बाद फिर थ्योरी पढ़ते रहेंगे। अ पिक्चर कैन से अ थाउजेंड वर्ड्स एंड ग्रेट इमेज हेल्प मेक अ डिफरेंस बिटवीन एवरेज लुकिंग साइट एंड रियली इंगेजिंग वन। कह रहे हैं कि यार एक पिक्चर जो है ना, ये एक कहावत है बाय द वे अंग्रेज़ी की, कि अ पिक्चर कैन से थाउजेंड वर्ड्स, कि एक पिक्चर जो है ना वो हज़ार वर्ड के बराबर होती है, या हज़ार हज़ार वर्ड बोलने के जितना वो काम कर जाती है एक पिक्चर। और कह रहे हैं कि अ ग्रेट पिक्चर या ग्रेट इमेज वही डिफरेंस बन जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम एक एवरेज वेबसाइट में और एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत वेबसाइट में। इसमें डिफरेंस जो आमतौर पे जो देखा गया है वो ये इमेज का ही डिफरेंस होता है मोस्टली,
इमेज के अलावा भी चीज़ें होती हैं उसमें, कलर्स वगैरह की सिलेक्शन और पीछे थीम का वो बैकग्राउंड वगैरह और टेक्स्ट का स्टाइल, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन उसमें मोस्टली इमेज का हाथ होता है। अच्छा, तो ये पिक्चर कैन से 1000 वर्ड्स को ना, हम ज़रा मज़ीद देखते हैं। अच्छा, अब फ़ोटो हमें उठानी कहाँ से? अपनी वेबसाइट पे लगाने के लिए फ़ोटो हमें उठानी है स्टॉक फ़ोटो की वेबसाइट से, स्टॉक फ़ोटोज़ वेबसाइट। अच्छा भाई, अब आपके जहन में सवाल आएगा कि यार गूगल पे भी इमेजेस आ जाती हैं, मिसाल के तौर पर मुझे कार की इमेज चाहिए अगर, या मुझे एक चाइल्ड की इमेज चाहिए, तो मैं गूगल पे लिखूँगा, मेरे पास ये आ गई चाइल्ड की इमेज इतनी सारी, तो मैं यहाँ से इसको क्यों ना उठाऊँ, ठीक है, मैं यहाँ से इसको क्यों ना उठाऊँ और मैं स्टॉक फ़ोटोज़ में क्यों जाऊँ। स्टॉक फ़ोटोज़ की बहुत सारी वेबसाइट होती है, उसका रीज़न ये है कि गूगल ने यहाँ पे लिखा होता है क्या भला, इमेजेस मे बी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। सही है, यही वजह है कि इसको फुल रेजोल्यूशन में नहीं दिखाता है गूगल। गूगल पे भी मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है गूगल को, क्योंकि ये किसी वेबसाइट पे लगी हुई है। अब ये नीचे विजिट का लिंक भी है, जिस वेबसाइट से ये इमेज उठा कर लाया ना, वो उसका लिंक भी है। मैं जाता हूँ विजिट के बटन पे क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो ये वेबसाइट एक्चुअल में खुल के सामने आ जाएगी। ये है वो वेबसाइट जिस पर ये इमेज लगी हुई है, देख रहे हैं आप, ये बाकायदा एक पूरी वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे जो इमेज लगी हुई है, ये मोस्ट प्रोबेबली इस वेबसाइट का जो ऑनर है उसके पास इसका कॉपीराइट हो सकता है, तो इस वजह से मैं यहाँ से कभी भी गूगल सर्च से इस तरह इमेज नहीं उठाऊंगा। अगर मैं इस तरह इमेज उठाता हूँ तो मुझे फिर ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उस इमेज पे कोई कॉपीराइट तो पहले से नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो उसका आसान हल यही है कि आप क्या करेंगे, स्टॉक फ़ोटोज़ लिखेंगे आप, तो स्टॉक फ़ोटोज़ की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि नंबर 1 पिक्सल्स, नंबर 2 शटर स्टॉक, नंबर 3 अनस्प्लैश, ठीक है, आई स्टॉक फ़ोटोज़, ये हाँ अच्छा, ये सारी एक जैसी हैं, ये सारी का काम ही एक ही एक्चुअली, ठीक है ना। तो आपने कुछ एक दो का नाम सुना होगा पहले और कुछ एक दो का आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आप ये समझ लें कि इस तरह की वेबसाइट को हम क्या कहते हैं, स्टॉक फ़ोटोज़ की वेबसाइट कहते हैं। तो स्टॉक फ़ोटोज़ लिखेंगे ना, तो आपके पास बहुत सारे और भी ऐसे वेबसाइट आ जाएगी, जैसे ये देखें एडोब स्टॉक, एडोबी वालों ने भी एक बनाया हुआ, तो स्टॉक फ़ोटोज़ डॉट कॉम, ये सारी, इसका सबका काम यही है, ठीक है। तो अभी हम ज़रा एडोबी वाले को खोलते हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है, ज़रा इनका भी देखें काम। अच्छा, ये सही काम किया हुआ है यार। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे जाके लिखूँगा मैं चाइल्ड, यहाँ पे से आ गया, सही है, छोरे मुन्ने बाबू। अच्छा, मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जो कुछ खा रहा हो, है ना, मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जो कुछ खा रहा हो, चाइल्ड ईटिंग लिखूंगा मैं, ठीक है, प्लेट से कुछ खा रहा हो, ये आ गया। अच्छा, अब आप देखें ये क्या कह रहा है कि डाउनलोड प्रीव्यू, एक तो ये लो रेजोल्यूशन आपको डाउनलोड करके देगा, और स्टैंडर्ड विथ फ्री ट्रायल। अच्छा, अब ये ट्रायल ट्रायल का कुछ चक्कर इन्होंने किया हुआ है, तो ये मैं ट्रायल ट्रायल करना नहीं चाह रहा, मैं बस छोड़ दो बस, डॉबी पता लग गया डॉबी कितने पानी में, ठीक है। तो टॉप वाला जो पिक्सल है उस पर चलते हैं, जो पहला रिजल्ट गूगल ने दिया है, अब गूगल की बात पर ज़रा भरोसा करते हैं। मैंने कहा चाइल्ड टिंग, इस पे तो शायद ज़रूरत नहीं होती है गाँव की, सिंगल ये आ गया बच्चा, गई फुल खापड़ बच्चा आ गया। अच्छा, इन्होंने वही सीधा सीधा बोला है कि भाई डोनेट करना है तो करो, नहीं तो कोई मसला नहीं है, डाउनलोड भी कर दिया जवान ने। अच्छा, तो ये मेरे पास आ गई एक अदद इमेज। अब इस इमेज का जो साइज़ है इस वक्त वो है 3000 वर्टिकल और 5000 वर्टिकल और 3000 हॉरिजॉन्टल, सही है। जो पहला वाला होता है वो इमेज की क्या होती है, विड्थ होती है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट जो विड्थ है, और ये दूसरा वाला जो होता है ये हाइट होती है, टॉप टू बॉटम समझ लें आप इसको, क्योंकि मैं विड्थ के साथ साथ मैं लेफ़्ट टू राइट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ पुराने जो फोटोग्राफर्स वगैरह मैंने देखे हैं ऐसे, वो विड्थ बोलते हैं, टॉप टू बॉटम वाले को बोलते हैं,
और था कोई मतलब स्टैंडर्ड था पुराना, वो जो विड्थ बोलते थे वो टॉप टू बॉटम वाले को बोलते थे, और हाइट जो बोलते थे वो ऐसे राइट लेफ्ट वाले को बोलते थे। तो ये विड्थ हाइट वही वाली है जो आपका जो नया सिस्टम है ना, जो मेट्रिक सिस्टम कहते हैं जिसको, जिसमें ये मीटर किलोमीटर सारा इसमें आता है, तो उसमें ये विड्थ जो है वो राइट टू लेफ्ट वाले को कहते हैं, और जो हाइट है वो टॉप टू बॉटम वाले को कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक्स होगा उसके बाद वाई, इसको एक्स वाई के तौर पे भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको देखते ही पता लग जा रहा है कि एक्स इसका कम है वाई इसका ज़्यादा है, यानी कि ये इमेज लंबाई के टाइप की इमेज है कोई। अच्छा इसका जो साइज़ है इस वक्त वो है 6 MB। ठीक है, इसका जो साइज़ है वो 6 MB है। अच्छा, और प्लस अब इसको मैंने वेब के ऊपर लगाना है तो इसको मुझे ऑप्टिमाइज़ करना होगा अपने वेब के लिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अ पिक्चर कैन से 1000 वर्ड्स। इस पिक्चर में जो कुछ नज़र आ रहा है वो अगर मैंने एक्सप्लेन करना हो तो शायद मुझे 1000 वर्ड से भी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने ये पिक्चर नहीं देखी है बट मैं उसको समझा रहा हूँ कि इस पिक्चर में क्या है। तो सबसे पहला एक बच्चा है, उसका हेयर कलर एक है, ठीक है, और वो क्या खा रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है शायद। ठीक है, उसके हाथ में पानी का ग्लास है। अब पानी का ग्लास किस कलर का है, ट्रांसपेरेंट है, पानी उसमें कितना है, उसने लेफ़्ट हैंड में पकड़ा हुआ है और राइट हैंड से खा रहा है। ठीक है, और उसने पहना हुआ क्या है बच्चे ने, फिर उस बच्चे के पीछे क्या है, वो बच्चा कहाँ मौजूद है, एक टेबल पे बैठा हुआ है, सही है, और उसने मुंह एक बनाया हुआ है, वो मुंह क्या उसने बनाया हुआ है ना, और मुंह फुल है उसका, मुंह में उसने भरा हुआ है जो भी है, उसके मुंह में वो फुल भरा हुआ है। अच्छा, आँखों का कलर उसके क्या है, आँखें उसने सीधा की हुई हैं, इसके फेस का एक्सप्रेशन क्या है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ही ग्लिम्प्स में आपको नज़र आ रही है इसमें, जो कि एक आप समझ लें कि उसमें बताना पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको एक मज़ीद एग्जांपल दूं, सही है, आईफोन बाय लिखूंगा तो आ जाएगी इनकी वेबसाइट। अब ये बड़ा अच्छा डिज़ाइन करते हैं, ये डिज़ाइनर्स जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइनर्स जो हैं वो इनके पास हैं। ओ, मैं कहाँ गलत चला गया, मैं मुझे जाना था ये वाले पे ना, इनके पास वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइनर्स हैं। अब आप ये देखें, इसने जो है ना पिक्चर के ज़रिए इसको बताया है कि यार ये कुछ टाइटेनियम वगैरह कुछ का सीन है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जहाँ पे ये वाटर प्रूफ वाली बात करते हैं ना, वहाँ पे आप देखना कि ये यार मैं भी रिसेंटली पता नहीं किसका देख रहा था, अब तो ये खैर वो वाली वो उसको मार्केटिंग में भी नहीं लाते वाटर प्रूफ वाले को, क्योंकि वो तो पुरानी बात हो गई है। ये पिक्चर इन्होंने दिखा दी कि यार ऐसी पिक्चर खींचती है, अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता बंदा इस पिक्चर के अंदर। अब फोटोग्राफर्स पता नहीं डेप्थ देखते हैं, कलर्स देखते हैं, लाइटिंग देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं वो, कि यार ये अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा, डिटेल्स पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। इसको तो वर्ड्स में बोला ही नहीं जा सकता, इसको पिक्चर ही दिखाना पड़ेगा। नहीं यार, मैं किसी और की उसमें देख रहा था, ये मैं देख रहा था, अभी मुझे याद आ रहा है, MI बर्ड्स 4 एक्टिव, इसकी वेबसाइट पे मैं देख रहा था। ये अभी 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 जो है ना ये बना है वाटर प्रूफ, अभी अभी बना है ये। तो इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने दिखाया हुआ था कि यार वो पानी में डूबा हुआ है, ये इस तरह दिखाया हुआ था। स्लो स्लो चलते हैं, सही है, लेटेंसी फ्री टच कंट्रोल, अबे कहाँ चला गया ये रहा। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है ना कि यार थॉटफुल प्रोटेक्शन वाटर रेजिस्टेंस, अब लिखा हुआ भी स्टेरिक है इसके साथ, लेकिन इस पिक्चर को इन्होंने इस तरह से बनाया है कि जो है ना इस पे पानी के स्प्लैशेस दिखाए इन्होंने। अच्छा, पूरा डूबा हुआ भी दिखाया। IPX4 जो है ना वो शायद स्प्लैश का ही होता है, वो फुल वाटर रेजिस्टेंस नहीं होता। एक तो IP68 होता है, IP68 तो वो प्रॉपर वाटर रेजिस्टेंस होती है कि 5 मीटर पानी के नीचे और 30 मिनट्स तक वो प्रोटेक्टेड
प्रोटेक्शन देगा, है ना। जो फ़ोन में जो आजकल आता है वो IP68 आता है, जो प्रॉपर फ़ोन है जिसमें वाटर प्रूफ जो है, जैसे गूगल पिक्सल विक्सल और ये आईफोन और सैमसंग के भी आजकल वो हो गए हैं वाटर प्रूफ, तो वो तो IP68 लिखते हैं वो। ये IPX4 पता नहीं, वो दूसरा स्टैंडर्ड है। तो IP68 का मतलब होता है डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट, ये दो होता है। अच्छा, ऑयल रेजिस्टेंट वो भी नहीं होता, ऑयल रेजिस्टेंट का पता नहीं फिर कोई दूसरा स्टैंडर्ड है, वो इंडस्ट्रियल ग्रेड होता है, ठीक है। ऑयल में अगर गिराई है तो गया। अच्छा, तो वेल मैं ये बता रहा था कि यार पिक्चर कैन से 1000 वर्ड को ना, ज़रा उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाई कि यार ये इन्होंने ना इस तरह लगा दिया, या अगर हम यहाँ पे एक और लिखें कोई सीन, सीन री होता है, सही है, या मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे लैंडस्केप, ये आ गया जी हमारे पास एक अदद लैंडस्केप। अब इसमें इतनी डिटेल्स हैं इस पिक्चर के अंदर जिसको वर्ड्स में बताना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसको भी मैंने डाउनलोड कर लिया। इसका भी जो साइज़ है इस वक्त वो क्या है? अरे ये तो साइज़ बड़ा कम है इसका। फिर भी ज़्यादा है वैसे तो, 800 KB फिर भी ज़्यादा है, लेकिन चलो वापस इसी ओरिजिनल इमेज पे आ जाते हैं जो 6 MB की है। अच्छा, इसको अब हमने करना है ऑप्टिमाइज़। इसको ऑप्टिमाइज़ अब किस तरह करेंगे हम? फ़ोटोशॉप वैसे तो होना चाहिए आपके पास, ठीक है, लेकिन फ़ोटोशॉप अगर नहीं है, अच्छा मैं भी फ़ोटोशॉप यूज़ नहीं करता, ठीक है। फ़ोटोशॉप वाला जो एक माल है वो यहाँ पे आ गया, फ़ोटो पी, सही है इसको, वैसे सही प्रोनाउंसिएशन शायद फ़ोटो पी है इसकी, लेकिन हम इसको कहते हैं फ़ोटोपिया, सही है। फ़ोटोपिया इसको क्यों कहते हैं? फ़ोटोपिया इसको इसलिए कहते हैं कि ये यूटोपिया जैसा मिलता जुलता वर्ड है, तो ये यूटोपिया ही है भाई मेरे हिसाब से तो, कि वेब पे ही फ़ोटोशॉप खुल गया। वरना हम जब छोटे थे तो हम तो CD ख़रीद के लाते थे फ़ोटोशॉप की, और वो इंस्टॉल होता था पता नहीं 1 घंटा इंस्टॉल होता था वो Photoshop 7.0, और 1 घंटा इंस्टॉल होने के बाद फिर वो चलता नहीं था हमारे PC पे, मसला करता था। 1 to 8 RAM होती थी हमारे पास, अब उस पर वो चलता नहीं था, मस्ती करता था। अब अगर उस पर कोई बड़ा कैनवास बना दो तो वहीं ऐसे हो जाता था। तो ये मेरे हिसाब से तो यूटोपिया में ही जी रहे हैं हम इस वक्त, कि मैंने देखो ये लिखा और ये खुल गया और बिल्कुल स्मूथ चलता है, ज़बरदस्त चलता है। अच्छा, तो मैं अब क्या करूँगा, इस पिक्चर को उठा के यहाँ पे लाके ड्रॉप करूँगा और ये पूरा फोटोशॉप आपके सामने खुला हुआ है, सही है। ये 8 MB को एक्चुअली अपलोड कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। क्या बोल के निकल गया, फ्रॉम योर कंप्यूटर क्या से क्लिक करके भी कर सकते हैं, फ्रॉम योर कंप्यूटर क्लिक करके भी कर सकते हैं। योर ब्राउजर एक्सटेंशन कुछ बोल के ही निकल जा रहा है फॉरन। योर ब्राउजर इज मॉडिफाइंग आवर कोड, ये लिखा हुआ आ रहा है, क्या मैंने कर दिया ऐसा? मेलवेयर बाइट लगा हुआ है, एक और क्या लगा हुआ है? अच्छा, ट्रैकर लगाया हुआ है इन्होंने, एक अदद ट्रैकर लगाया हुआ है भाई इन्होंने, एक अदद। चलो ऐड ट्रैकर को अभी थोड़ी देर के लिए हम बंद कर देते हैं भाई, फौरन रिफ्रेश हुआ ये तो। अब लोडिंग पे गया ये, अब दोबारा ट्रैकर को ऑन कर देते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो मुझे इस पिक्चर को ना अपने पास क्रॉप करना है पहले तो मुझे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो पिक्चर मुझे चाहिए वो चाहिए स्क्वायर पिक्चर चाहिए, मिसाल के तौर पे स्क्वायर पिक्चर चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं इसको क्या बोल दूँगा कि यार ये वाला बटन मैंने क्लिक किया स्क्वायर करने के लिए इसको, और साथ साथ मैंने क्या कर दिया, ये फ्री फ्री जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं बोल दूंगा कि यार फिक्स रेशो या फिक्स साइज़। तो मैं कहता हूँ कि यार 1 by 1, 1 by 1 का मतलब होता है कि जितनी ही चौड़ाई उतनी ही लंबाई, तो इसका मतलब स्क्वायर बनेगा, ठीक है। एक 4 by 3 होता है, 4 by 3 हम आमतौर पर कैमरे से जो पिक्चर खींचते हैं वो 4 by 3 पे होती है। अच्छा, इसी तरह एक 16 by 9 होता है, जो बैनर वगैरह फेसबुक पे लगा होता है वो लंबाई में होता है ज़रा,
मतलब चौड़ाई में होता है, ज़रा लंबाई में नहीं, सही है। तो वो 16:9 पे होता है, तो मैं इसको 1:1 पे कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्या हो जाएगा ये 1:1 पे ही विंडो फिक्स हो जाएगी। अब मैं इस विंडो को जहाँ पे भी, ओहो क्या हुआ, क्रॉप का बटन दोबारा दबाया मैंने, सही है। और मैंने इसको जहाँ पे रखना है वो मैंने रख दिया, सही है, मैंने यहाँ रखना है इसको। और यहाँ पे रखने के बाद मैंने क्या किया, इसको टिक का बटन दबा दिया, तो ये इमेज एक तो स्क्वायर हो गई मेरे पास। सबसे पहले स्क्वायर इमेज होने के बाद अगला काम मैं क्या करूँगा, क्या हो रहा है, अगला काम मैं ये करूँगा कि इसको फाइल में जाके एक्सपोर्ट एज का बटन दबाऊँगा। अच्छा, एक्सपोर्ट एज में अब इतने सारे मेरे पास फॉर्मेट आ रहे हैं, अब मुझे इसमें से कौन सा करना चाहिए, ये बुक में हम पढ़ेंगे कि इसमें मुझे कौन सा करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मुझे पता है, पहले से ही पता है मुझे कि मुझे जेपीजी करना चाहिए। मैं जेपीजी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और जेपीजी सेलेक्ट करते ही ये मर क्यों गया इतना। अच्छा, अब आप चेक करें कि इसका जो साइज़ है ना, वो कह रहा है कि ये 3 MB इसका साइज़ होगा। अच्छा, मैंने कहा नहीं भाई, 3 MB तो बहुत ज़्यादा है, मुझे कम करना है, मैं अपना साइज़ इससे ज़्यादा कम करना चाहता हूँ। तो पहले मैं क्या कर सकता हूँ, इसके रेजोल्यूशन को कम कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ यार, ये 3000 रेजोल्यूशन ही नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए 1000 1000, भाई रेजोल्यूशन में बहुत है मेरे लिए, ठीक है। और मैं 1000 लिख के जैसे ही बाहर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे वाले को चेंज कर देगा, ठीक है। तो 1000 बाई 1000 में अब क्या हो गया, ये 151 KB हो गया। अच्छा, प्लस अब देखें, मुझे अगर पिक्चर इतनी बड़ी दिखानी है तो ये तो सही है, अभी बिल्कुल परफेक्ट है, बल्कि शायद मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको और छोटा फ़िलहाल नहीं कर रहा क्योंकि अच्छा, फिर मैं क्वालिटी को डाउन कर सकता हूँ इसके, ये क्वालिटी की नॉब बनी हुई आ रही है अभी, 151 KB है ये। मैं क्वालिटी को 80% से क्या करता हूँ, नीचे ले आता हूँ मैं 50% पे, या 65 पे ले आता हूँ। तो अब देखें, 151 से ये क्या हो जाएगा, ये चेंज होकर 97 KB हो गया। तो अब ये इमेज जो सेव होगी वो कितने पे सेव होगी, वो 97 KB पे होगी। अच्छा, यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाने का मकसद क्या है इनका, प्रीव्यू दिखाने का मकसद ये है कि ये आप देखता रहे आपको कि क्या हालत हो गई इमेज की। अगर मैं क्वालिटी को बिल्कुल ज़ीरो कर दूँ तो आप देखेंगे कि क्या होगा, यहाँ पे क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इतनी ज़्यादा मैं कम नहीं कर सकता, 8 KB की ये इमेज बनेगी, लेकिन क्वालिटी ख़राब हो गई। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूँगा कि किस पॉइंट पे आके क्वालिटी इसकी ख़राब होती है। यहाँ तक तो सही है ना, यहाँ तक इसकी क्वालिटी सही है, इसको मैं जूम इन करके भी देख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ तक इसकी क्वालिटी ठीक है, मैं और कम करूँ, अगर इसको मैं 20 पे ले जाऊँ अगर, तो इसकी क्वालिटी और ख़राब हो गई है, ठीक है। तो शायद मुझे 40 तक रखना चाहिए इसको, 40 तक शायद मुझे इसको रखना चाहिए, ठीक है। तो 57 KB बनता है टोटल मेरे पास, और मेरी इमेज कुछ इस तरह की दिख रही होती है, जिस तरह की अभी ये दिख रही है ऐसे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये आपको डिसाइड करना है कि कितनी क्वालिटी की इमेज आपके लिए सही है, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है, ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा। अच्छा, इसके अलावा मुझे इमेज को दिखाना है 450 पिक्सल का, तो ये 1000 को भी छोड़ के मैं 450 कर देता हूँ, ठीक है, 13 KB हो गई इमेज अब ये। अच्छा, क्वालिटी लेकिन इसकी थोड़ी और डाउन हो गई है अब, तो मैं यहाँ से क्वालिटी बढ़ा देता हूँ, 13 KB की इमेज है, मैं 40% से क्वालिटी को बढ़ा के 60% कर देता हूँ, सही है, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है इसके अंदर। उनतीस के बी, और अगर मैं फुल कर दूँ 100% क्वालिटी तो 200 KB, ठीक है, तो 200 KB ज़्यादा है, मैं इसको 80% पे ही ला के छोड़ूंगा, ताकि मुझे 30 40 KB, 40 KB तक की अभी ये फाइल मेरे पास रेडी है। अब इस 40 KB की फाइल के अंदर मुझे ये इमेज नज़र आ रही है, तो मैंने शायद क्वालिटी को कहीं बहुत ज़्यादा डाउन किया है इस पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन स्टिल ये किसको डिसाइड करना है, जो इमेज सेलेक्ट कर रहा है, जो इमेज को प्रिपेयर कर रहा है उसने डिसाइड करना है, जो डिज़ाइनर है उसने डिसाइड करना है कि जी किस तरह का लुक देना है वेबसाइट के ऊपर आपको ना। अच्छा, और इसको मैं सेव का बटन जैसे ही दबाऊंगा तो ये 39 KB जो है मेरे पास क्या हो जाएगा, 39 KB मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब ये इमेज आकर मैं देखूंगा, यहाँ जो डाउनलोड की है मैंने, ये यहाँ पे देखें 40 KB शो कर रहा है, ठीक
ठीक है, और ये 40 KB का प्रीव्यू है, और ये ओरिजिनल इमेज का प्रीव्यू है। इमेज में कहीं ना कहीं मेरे स्मूथनेस आ गई है, क्योंकि डिटेल कम हुई है ज़ाहिर है, तो स्मूथनेस आ गई है। इस वाले के अंदर क्या थी, ज़रा डिटेल इसके अंदर ज़रा ज़्यादा दी, ठीक है, और इतनी ज़्यादा थी कि शायद मेरा कंप्यूटर इसको सही तरह रेंडर नहीं कर पा रहा। प्रीव्यू वर्जन में ज़रा लो क्वालिटी पर रेंडर कर रहा है, ठीक है, इसको फुल रेंडर भी नहीं कर पा रहा है। तो ये इमेज क्योंकि बहुत छोटी सी है, तो ये वाली क्या हो रही है, सही तरह से रेंडर हो जा रही है। अच्छा, तो ये इमेज को मैंने क्या कर दिया, ऑप्टिमाइज फॉर वेब का ये मैंने काम कर दिया। इसको मैं कट कर लेता हूँ, और अब मैं कहाँ आ जाता हूँ, वापस इधर आ जाता हूँ, और वापस मैं क्या कर लेता हूँ, मैं जो है ना इनकी वेबसाइट खोल लेता हूँ एप्पल वालों की, और यहाँ पे से हम ना इमेजेस को ज़रा डाउनलोड करके देखते हैं कि इन्होंने जो इतनी ज़बरदस्त किस्म की इमेज लगाई हुई है, हाई क्वालिटी इमेज, मतलब ये वाली जो इमेज है ये उससे तो ज़्यादा क्वालिटी की इमेज है। अच्छा, तो इसको अगर राइट क्लिक करता हूँ मैं, और अच्छा ये इमेज तो इन्होंने ऐसी लगाई हुई है कि ये हिल नहीं रही, हम ज़बरदस्ती हिलाएंगे इसको। सही है, चेक करते हैं ये इमेज इन्होंने किस तरह लगाई हुई है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये फिगर के अंदर लगाई हुई है इन्होंने, फिगर कैप्शन में, और इस पर CSS के थ्रू इन्होंने इमेज को अप्लाई किया हुआ है। ये आ गई इमेज इनकी, सही है। इस इमेज को जब मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ तो ये इमेज इनकी आ गई मेरे पास। इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, और जब ये सेव होगी जैसे ही, तो मुझे यहाँ पे पता लग जाएगा कि ये क्या है, कितने साइज़ की इमेज है। सही है जी, तो ये इमेज हमारे पास जो है वो काइंड ऑफ 140 KB तक ये चले गए इस इमेज को लेकर, ठीक है, 140 KB की। अच्छा, ये इमेज जो है वो क्या है, पूरी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, अच्छी खासी बड़ी इमेज है, तो पूरी स्क्रीन के ऊपर ये इमेज आ रही है, तो 140 KB। अच्छा, इसी तरह मैं जितनी भी इमेजेस यहाँ से डाउनलोड करूँगा, जितनी भी इमेजेस मैं यहाँ से उठाऊँगा ना, आप नोट करेंगे कि वो क्या होगी। ये क्या सीन है, लर्न मोर पे चलते हैं ना, इसके नीचे वाली जो इमेजेस इन्होंने लगाई हैं। अब जैसे ये भी एक इमेज है, एक्चुअली ये भी क्या है, एक इमेज है, और वो पीछे वाला जो है वो भी एक इमेज है, और ये एक दूसरे के ऊपर इन्होंने लगाया हुआ है इसको। अच्छा, वेल ये एक वीडियो है जो कि बगैर प्ले बटन के इन्होंने चलाया हुआ है, ठीक है। अब जैसे एक ये वाली फ़ोटो कितने के बी तक की होगी आपके ख्याल में। ओपन इमेज इन न्यू टैब, सेव करते हैं इसको, ये आ गई जी। ये भी 126 KB की है, तो आप देखें यहाँ पे ना 100, 100, 200 KB के अंदर अंदर ही कहानी घूम रही है। अच्छा, अगर इमेज का साइज़ बड़ा रखेंगे तो क्या होगा, इमेज का साइज़ बड़ा रखने से होगा ये कि इमेज लोड देर से होगी। ओपन इमेज इन राइट, ठीक है, काफ़ी हाई क्वालिटी इमेज है ये, लेकिन जब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये भी कितने की होगी, ये भी 100, 150 KB के अंदर अंदर ही होगी, ठीक है, 153 KB। अच्छा, तो ये मैटर किस चीज़ पे कर रहा होता है, मोस्टली मैटर इस चीज़ पे कर रहा होता है कि आपका जो फ़ोटो थी वो ओरिजिनली कितने अच्छी क्वालिटी की थी, कि जब मैं उसकी क्वालिटी को रिड्यूस करूँ तो वो किस जगह पे आके गिरेगी, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि जब आप व्हाट्सएप पे किसी को फ़ोटो भेजते हैं तो वो फ़ोटो तो 10 MB 12 MB की फ़ोटो भी हो सकती है मोस्टली, अगर आपने मतलब 40 MP वाले कैमरे से, आजकल तो आ गया ना सब फ़ोनों में 40-40 MP होते हैं अब तो कैमरे, तो वो 10-12 MB की फ़ोटो खींच देते हैं, लेकिन आप उसको व्हाट्सएप में भेजते हैं जब, तो वो आगे 200 KB की पहुँचती है, और आप समझ रहे होते हैं कि जिस तरह की मुझे दिख रही है उस तरह की दिखेगी सामने वाले को, लेकिन सामने वाले को उसका टेयर डाउन एक वर्जन दिखता है जो कि इतनी ज़्यादा उसमें डिटेल्स नहीं होती हैं। तो उसका मेन रीज़न जो वो क्या है, वो यही है कि अगर वो 12 MB की फ़ोटो को भेज दें डायरेक्ट, तो सबसे पहला मसला तो ये होगा कि नेटवर्क ज़्यादा इस्तेमाल होगा, और लिहाजा क्या होगा कि आपके इमेज की जो सेंडिंग है वो स्लो हो जाएगी, उसमें अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो जाएगा। और नंबर दो ये होगा कि जिस बंदे के पास वो जा रही है, किसी की चेयर में से आवाज़ आ रही है, अच्छा हाँ,
तो लिहाजा वो क्या करते हैं, उसको स्लो कर देते हैं, छोटा कर देते हैं ताकि वो जल्दी से सेंड हो। वेबसाइट में भी यही चक्कर है, अगर इमेज ज़्यादा बड़ी होगी तो लोड होगी वो स्टिल, ऐसा नहीं है कि वो लोड नहीं होगी, लेकिन क्या होगा कि जो है ना वो ज़रा स्लो लोड होगी। इवन हम आ जाएँ अगर इसके ऊपर स्प्लैश फ़ोटोज़ के ऊपर, अगर हम आ जाएँ इवन, ये है ना मेरा वो स्प्लैश जो मैंने डाउनलोड किया था। अब आप देखें अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ ना यहाँ पे, तो ये इमेजेस सारी की सारी फ़ौरन खुलती हैं, ये इमेजेस फ़ौरन खुलती हैं। हालांकि ये इमेज जो है वो 12 MB की फ़ोटो है ना, या 6 MB की फ़ोटो है, जितने की भी है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको ओपन इमेज न्यू टैब करूँ, तो आप ये देखेंगे कि इस जगह पे जो प्रीव्यू आ रहा है ना इमेज का, ये असल में छोटा प्रीव्यू है, ठीक है, ये वो फुल साइज़ वाला नहीं है, वो डाउनलोड का बटन दबाने पे आता है फुल साइज़ वाला। तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे कि राइट क्लिक करके अगर इसको मैं सेव कर दूँ, कंट्रोल एस करके भी कर सकते हैं, तो ये जो है वो 12 MB की फ़ोटो नहीं है जो इन्होंने स्क्रीन पर ख़ुद दिखाई हुई है। अब इसमें से कौन सी वाली अभी आई है, हाँ ये देखें आप, ये वो है जो हमने पहले डाउनलोड की थी, और ये वो है जो हमने अभी डाउनलोड की है, क्योंकि जो एडिट की थी हमने वो तो क्रॉप है ना, जो एडिट की थी वो तो क्रॉप है, तो ये तो नहीं है, तो या तो ये है या तो ये है जो अभी डाउनलोड हुई है। तो अभी जो डाउनलोड हुई है आप देखें 89 KB यहाँ पे नीचे शो हो रहा है, और जो पहले डाउनलोड की थी वो 6 MB शो हो रहा है। तो इन्होंने ख़ुद भी जो डिस्प्ले की हुई है ना सामने इमेज, वो फुल साइज़ की इमेज को डिस्प्ले नहीं किया हुआ है। इस इमेज का क्या किया हुआ है, दो वर्जन बनाया हुआ है, एक वर्जन जो है वो यहाँ डिस्प्ले होता है, इसको मैं इवन ओपन भी करता हूँ तो यहाँ पे भी वही वर्जन डिस्प्ले हो रहा है, छोटा वर्जन, ठीक है, आप देखें ये बालों से ही पता लग जा रहा है देख के। और जब यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो एक्चुअल इमेज देता है मुझे, ठीक है। तो ये बात हमें समझ आ गई कि यार इमेज का हमेशा क्या होता है, जो वेबसाइट के ऊपर जो वर्जन लगा हुआ होता है वो वाला वर्जन नहीं होता जो कैमरे से खींचा गया है, वो वर्जन क्या होता है, वो टेयर डाउन वर्जन होता है, और वो छोटा किया गया होता है, ख़ास तौर पर ऑप्टिमाइज उसको किया गया होता है वेब के लिए। अच्छा तो हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया कि जी फ़ोटो को स्टॉक फ़ोटो से डाउनलोड कैसे करना है, हमने ये सीख लिया कि हमने उसको ऑप्टिमाइज़ किस तरह करना है। फोटोपिया इज़ वन ऑफ दोज सॉफ्टवेयर, देर आर मैनी अदर सॉफ्टवेयर सच एज़ फ़ोटोशॉप, या और भी कोई अगर आपको दूसरा पसंद है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन भी बहुत सारे टूल्स हैं, फ़ोटो ऑप्टिमाइज़र ऐसे करके आप लिखेंगे ना तो वो आ जाएगा, ऑप्टिमाइज फॉर वेब करके लिखेंगे, लेकिन आई थिंक फोटोपिया के अंदर जो टूल मौजूद है या फोटोशॉप के अंदर जो टूल मौजूद है वो गुड इनफ है, ठीक है। फोटोशॉप में भी ना एक ऑप्टिमाइज फॉर वेब करके एक ऑप्शन आ रहा होता है, ऑप्टिमाइज फॉर वेब फोटोशॉप, ठीक है, उसके अंदर जो जहाँ पे एक्सपोर्ट है ना उसी जगह पे लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। ये देखें, चूज़ फाइल, फाइल पे क्लिक करते हो आप, और फाइल के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ होता है सेव फॉर वेब, और सेव फॉर वेब करने पे वो उसी तरह का इंटरफेस होता है, एक सामने प्रीव्यू आ रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे इमेजेस में जाऊँगा ना तो शायद वो स्क्रीन मुझे दिख जाए पूरी, हाँ ये है वो स्क्रीन जो सेव फॉर वेब करते हैं ना, तो ये स्क्रीन आ जाती है। अब देखें यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि भाई ये इस तरह से साइज़ होगा इसका। अच्छा ये तो वीडियो जिफ पे आ रहा है ना, जिफ पे नहीं, मुझे सिंपल इमेज के ऊपर, हाँ ये एक सिंपल इमेज है, ये देख रहे हैं आप, हाँ इधर लिखा हुआ भी कि ओरिजिनल जो थी वो 205K की थी और अभी जो है वो 22K की हो गई है, के बी एक्चुअली मकसद है इनका, सही है। तो यहाँ पे से ये JPG वगैरह या जो भी सेलेक्ट करना है वो है, क्वालिटी को परसेंटेज में 60 है तो इसको मैं और कम कर सकता हूँ। अच्छा कुछ और भी इसमें पैरामीटर्स हैं, इसके पिक्सल्स को भी कम कर सकता हूँ मैं, ठीक है, कुछ इसमें ज़रा रिच ऑप्शंस हैं, ज़ाहिर है जो नए वाले वर्जन होंगे उसमें शायद और रिच ऑप्शंस हों, लेकिन इतने ज़्यादा रिच ऑप्शन की शायद ज़रूरत भी नहीं है हमें ना, एज अ बिगनर तो ज़रूरत नहीं है एटलीस्ट, हाँ फिर जब हम एडवांस चीज़ें कर रहे होंगे तो मे भी हमें ज़रूरत पड़े। वेल मेरा काम सारा आज तक का जो भी मैंने किया ना वो सारा इससे हो जाता है, फोटोपिया से, ठीक है। कलर टेबल भी बनाकर दे रहा है कि इस पिक्चर के अंदर कितने एक्चुअली कलर्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे जिफ सेलेक्ट किया हुआ है, हमने JPG सेलेक्ट किया था, अब हमने आगे ये देखना है कि यार ये जिफ और JPG का चक्कर है क्या। अच्छा आ जाओ जी हमारे पास इधर, अच्छा तो फोटो सेलेक्ट करने के में ना सिर्फ इन्होंने डाउनलोड करना बताया, एक तो इन्होंने बता दिया भाई डाउनलोड कैसे करना है, हमने ऑप्टिमाइज़ भी कर लिया, लेकिन फ़ोटो सेलेक्ट करने में एक चीज़ और भी है कि फ़ोटो होनी कैसी चाहिए, फ़ोटो असल में होनी किस तरह की चाहिए।
फोटो ऐसी होनी चाहिए जो रेलिवेंट हो, बी रेलिवेंट। रेलिवेंट फोटो का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे एक आइसक्रीम की वेबसाइट है और आइसक्रीम की वेबसाइट पे हमें दिखाना है कि यार इस आइसक्रीम को बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े भी खा सकते हैं। मेरा ये मकसद है उस वेबसाइट के ऊपर पिक्चर लगाने का। तो मैं क्या करूँगा, मैं शायद ये करूँ कि एक मम्मी हो और एक छोटा बच्चा हो उसके साथ, और दोनों कहीं घास वाली जगह पे खड़े हों या बीच पे खड़े हुए हों, और दोनों के हाथ में एक एक आइसक्रीम हो और थोड़ा थोड़ा खाया हुआ हो दोनों ने, और बाकी उनके हाथ में पकड़ो, है ना। ये सही रेलेवेंट इमेज होगी अगर इस तरह की हो। अच्छा, इसमें इररेलेवेंट चीज़ नहीं होनी चाहिए कोई, या इमेज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको बंदा क्या करे, देख के उसको रिकग्नाइज ना कर पाए। ये नीचे उन्होंने ये भी बात लिखी है, इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल, लेकिन इस पे हम आते हैं। इमेज ऐसी होनी चाहिए जो रेलेवेंट्स उसके अंदर हो। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब मैंने क्या कर दिया, उसकी जगह पे एक इमेज लगा दी जिसमें एक फीचर काउंटर है बहुत बड़ा सा, और उसमें वो आइसक्रीम रैक पर सजी हुई है, सही है, और बंदा बंदों को वो आइसक्रीम दे रहा है। अच्छा, लेकिन वो क्योंकि वो बड़ी पिक्चर है और वो ज़रा दूर से लिया हुआ शॉट है, तो उसमें ये पता नहीं लगेगा कि ये काउंटर वाला दे क्या रहा है। हो सकता है उस काउंटर पे कोई दूसरी ऐसी चीज़ हो जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए और आइसक्रीम ज़रा कम प्रोमिनेंट हो जाए, क्योंकि इररेलीवेंट, अगर मैं पूरे काउंटर की फ़ोटो लगाता हूँ ना, तो इररेलीवेंट चीज़ें उसमें ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, ऑन अदर एंड जब क्लोज़अप फ़ोटो होगा कि एक मम्मी और एक बच्चा है, दोनों आइसक्रीम उनके हाथ में, तो ये ज़रा रेलिवेंसी इसके अंदर ज़्यादा रहेगी नस्बता। तो फ़ोटो हमारी ना रेलिवेंट होनी चाहिए, इररेलीवेंट नहीं होनी चाहिए। या मिसाल के तौर पे उसमें अब उस फ़ोटो के अंदर कोई ऐसी दूसरी चीज़ है, आप नोट कीजिएगा कि जो इस तरह के प्रोडक्ट्स का इश्तिहार होता है ना, उसके अंदर जो कपड़े आमतौर पे पहने होते हैं मॉडल ने, वो प्लेन होते हैं बिल्कुल, वो ज़्यादा वो नहीं होते। और मोस्टली जो है वो क्या होता है, वो एयर रिंग्स वगैरह ज्वेलरीज वगैरह देखने में नहीं आती इस तरह की एड में ना। या मैं अगर लिखूं भी इवन जाके मैं कि आइसक्रीम का जो एड है, आइसक्रीम एड विथ लेडी, देखिए आप, इसने ना कपड़े बिल्कुल प्लेन पहने हुए हैं, कोई ज्वेलरी नहीं है इसके पास। ठीक है, मतलब वो ज्वेलरी है भी वो बच्चों वाली प्लास्टिक वाली है, कोई ऐसे मेजर किस्म की जिस तरह की हमारे वाले पहनते हैं ना ज्वेलरी, चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड की भी जो कपड़े हैं ना, जो वो प्लेन है बिल्कुल, उसमें कोई चीज़ प्रोमिनेंट नहीं है। देखो बिल्कुल प्लेन इसको कपड़ा पहनाया हुआ, तो ये जानबूझ के इस तरह किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने देखें यहाँ पे ना इररेलीवेंट चीज़ की हुई है, यहाँ पे ये अमेरिका का पता नहीं नक्शा बना दिया है, अमेरिका का झंडा बना दिया है। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली ये ऐड इन्होंने अमेरिका के लिए बनाया हो, मे बी, क्योंकि अगर तो पूरी दुनिया के लिए बनाया है तो मेरे हिसाब से ये चीज़ इररेलीवेंट है। ठीक है, अच्छा, बच्ची इन्होंने बनाई है इंडियन, और अब झंडा इन्होंने बनाया अमेरिका का, सही है, लेकिन पता लग रहा है कि कोई ऐसी कंपनी है जो बेनामी कंपनी है, हम मैंने तो कभी इसका नाम नहीं सुना, तो इन्होंने शायद इतनी तवज्जो नहीं दी है इस चीज़ पे। ऑन अदर एंड आप देखें जो जो आ, आ, बड़ी कंपनी है, इसके एड को देख के ही फील हो रहा है कि ये बड़ी कंपनी है, या कोई हम वेल नोन कंपनी यहाँ पे दिख रही है क्या? कोई वेल नोन कंपनी फ़िलहाल तो नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे, वो सारी ही बेनामी है असल में, लेकिन ये वाले एड को मुझे देख के लग रहा है कि ये ज़रा प्रोफेशनल एड है, BREYERS। ये आ गया जी आइसक्रीम, ठीक है, तो कोई प्रॉपर कंपनी तो ये है। ठीक है, इन्होंने चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है। वेल, वापस बंद करते हैं इसको और वापस हम अपने इस टॉपिक पे आ जाते हैं कि जी इमेज आपकी क्या होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए। अच्छा, कन्वे इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उसके अंदर। कन्वे इन्फॉर्मेशन में हमने आईफोन की जो अभी फ़ोटोज़ देखी थी उसके अंदर आपने देखा था कि उन्होंने कुछ में क्या दिखाया हुआ है, साइड का बेजल दिखाया हुआ है, कुछ में बटन पे ज़रा क्लोज़अप किया हुआ है। तो इमेज आपकी जो है ना, उसको इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहिए। मिसाल के तौर पे आईफोन की जो वेबसाइट है, वो अगर मैं ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर लूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता लग जाना चाहिए कि ये फ़िज़िकली दिखने में कैसा है।
अच्छा थोड़ा बहुत समटाइम वो सॉफ्टवेयर का भी टच देते हैं, लेकिन समटाइम नहीं भी देते, क्योंकि सॉफ्टवेयर मोस्टली क्या होता है हर फ़ोन का उनका एक जैसा ही होता है, चेंज नहीं करते सॉफ्टवेयर, वो ऊपर से सिर्फ चेंज होता है वो। तो कन्वे इन्फॉर्मेशन, ये अगर मेरे पास आइसक्रीम का इश्तहार है, तो अगर मिसाल के तौर पे कन्वे इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि जी आप कोन वाली बेचते हैं या वो डंडी वाली बेचते हैं, तो शायद एक ने मम्मी ने शायद पकड़ा हुआ जो कोन वाली हो और जो बच्चे ने पकड़ा हुआ वो डंडी हो, तो ये कन्वे इन्फॉर्मेशन हो गया है ना। कि अब ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा अब ऐसा भी नहीं है कि पूरा दुकान ही इस पे लगा दें हम कि भाई ये बंदे ने एक एक हाथ में तीन तीन पकड़ी हुई है छः, क्योंकि छः आइसक्रीम है दुकान की, टोटल जो है वो छः तरह की आइसक्रीम है, तो ये नहीं कर सकते हम कि अब मम्मी के हाथ में तीन पकड़ा दें बच्चे को भी तीन पकड़ा दें, तो ये फिर ओवरवेलमिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नॉनसेंस हो जाएगा। बट एक पकड़ना तो एक ही है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली शायद वो वाली आइसक्रीम पकड़ा है जो सिग्नेचर हो, जो सबसे ज़्यादा बिकती हो या सबसे ज़्यादा स्पेशल हो। तो कन्वे इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही हो। मिसाल के तौर पर अगर इस माइक का कोई वेबसाइट है, अगर इसके माइक का, तो इसमें बटन पता लग जाए मुझे, अच्छा इसके अंदर बटन है, रबर का बटन है, और इसमें डिस्प्ले किस तरह का आता है, ठीक है, इसका जो साउंड का वो जो पैटर्न है वो किस तरह का बनता है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो इन्फॉर्मेशन सारी जो है मुझे कन्वे करनी होती है मुझे। अच्छा अब मेरा ख्याल है आज की इस क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करते हैं कि ये इमेज हमने सेलेक्ट तो कर ली, उसको ऑप्टिमाइज़ भी कर लिया, ज़रा इमेज की फॉर्मेट वगैरह के बारे में ना हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ये तो इमेज लगाना इसने बता दिया, इमेज लगाना तो आप सीख गए हैं सारे, इमेज तो आप सब लोग लगाना सीख गए हैं, तो ये कोडिंग तो इज़ नॉट रेलिवेंट, वो आप कर चुके हैं पहले ही। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे इन्होंने कुछ फॉर्मेट वगैरह के बारे में बात की हुई है, तो वो हम जो है ना अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। कहाँ गया वो, गायब हो गया, ये रहा थ्री रूल ऑफ क्रिएटिंग इमेज। अब वो जो हमने इमेज अभी क्रिएट की है, अब जी जेपीजी रखना है या क्या रखना है, तो वो थ्री रूल ये बता रहा है, और क्या साइज़ रखना है, किस तरह रखना है, तो ये वाले जो रूल्स हैं ना ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, और नेक्स्ट क्लास को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसके जो हमने दो पॉइंट्स अभी डिस्कस किए हैं, बी रेलिवेंट और कन्वे इन्फॉर्मेशन है ना, अब कन्वे द राइट मूड से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं कि राइट मूड कन्वे करने का क्या मतलब होता है।